आई होप यू आर एबल टू सी मी एंड हियर मी। ओके फाइन। ओके सो बाय नाउ there are certain processes and phenomena that you already understand. Okay, what are those phenomena and what are those processes? I will just summarize everything that we have understood and that is important for the purposes of understanding the entire climatic phenomena. Okay, so the first thing that we understood is the behavior of water with respect to temperature. ठीक है, मोटा मोटी अगर मैं बताऊं आपको तो द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड वॉज बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर ऑफ वॉटर मॉइस्चर एज यू कॉल सो बिहेवियर ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ एयर with respect to temperature and behavior of air and water mixed with respect to we have so that's precisely what we studied agar sabhi jitne bhi lectures hamare hue hain unko bahut sankshep mein kehne ka prayas kiya jaye to humne dabav aur dab se kehte hain dab aur taap in dono ka pani par और हवा और पानी के मिक्सचर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया है कुल मिलाकर और वो किसी लेबोरेटरी में नहीं बल्कि लार्ज स्केल पर एक्चुअल जियोग्राफिकल कंडीशंस में ये कैसे इंटरैक्ट करती हैं चीजें कैसे अफेक्ट होती हैं और कैसे अफेक्ट करती हैं इसका अध्ययन हमने अभी तक किया है। ये तो हो गई मूल संकल्पना की बात। अब उसका जो व्यवहार पक्ष है उसमें हमने मैनिफेस्टेशन में हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा व्हाट हैपेंस टू एयर when it rises what happens to water when it condenses when energy is released when energy is absorbed heat is released heat is absorbed then we also studied how coriolis force affects the movement of wind and water okay humne fir ye bhi padha ki kaise kitne tarah ke interactions ho sakte hain hawa ke hawa se aur hawa ke pani se pani ke pani se ye bhi cheez humne padhi hawa ka aur moisture ka aapas ka sambandh padhte samay humne तीन चार तरह के जो है चार तरह की जो है रेनफॉल्स के बारे में पढ़ा उनके मैकेनिज्म को समझा ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है चार तरह के हमने पढ़े हमने जाना कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मैकेनिज्म काम करती है और उसकी वजह से क्लाइमेटिक जो घटनाएं हैं जलवायुवीय घटनाएं वो होती रहती है धरती पर पूरे समय ठीक है हमने ये भी जाना कि कुछ घटनाएं जो हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं या वहीं तक सीमित रहती हैं और कुछ घटनाएं जो है वो टेम्परेट रीजंस में होती हैं हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ का साइक्लोन और वहां का साइक्लोन आपस में अलग है उसकी उत्पत्ति के पीछे क्या अंतर है और उनकी जो है वो कैसे प्रोग्रेस करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है फिर हमने एक स्पेशल चीज पढ़ी और वो थी जेट स्ट्रीम हमने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा जिसे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स विंड के रूप में हम लोग जानते हैं तो वो है कि एटमॉस्फेयर के थोड़ा अपर लेवल पे सरफेस की प्रॉक्सिमिटी में नहीं वो तो हम जानते ही हैं सरफेस की प्रॉक्सिमिटी में चलने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं को तो हम समझते ही हैं कि ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज और ये सब तो हम जानते हैं हमने ये जाना कि ये हवाएं दरअसल ऊपर के 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के उस वाले रेंज में चलती है और वो नॉर्थ साउथ में एंटरिंग भी उनकी होती है और अप डाउन भी होती है तो इस प्रकार से हमने देखा कि जेट स्ट्रीम दरअसल क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इक्वेटर से दूर जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होता जाता है तो इसलिए लगभग जो जिन हवाओं को नॉर्थ साउथ जैसा चलना चाहिए था इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपर के रीजन में भी कि वो वेस्ट ईस्ट ही चलने लगती है ओके जेट स्ट्रीम उनका एक उदाहरण है दो ऐसे जगह है दो ऐसे बेल्ट्स हैं दो पट्टियां ऐसी हैं जहां पर जेट स्ट्रीम की जो की उपस्थिति पाई जाती है सब ट्रॉपिकल आपने देखा ही है ना सब ट्रॉपिकल और पोल सब पोलर जैसा कह सकते हैं आप उसको वहां पर आपने लाइक साइक्लोन्स
is there any condition for the formation of anticyclone except pressure? That is the question. So you want to ask, जैसे साइक्लोन के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा तब जाके साइक्लोन बनेगा, वैसे ही एंटी साइक्लोनिक जो कंडीशंस हैं उनके बनने के लिए भी कुछ और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की जरूरत होती है। एंटी साइक्लोन का बनना तो सिर्फ दाब पर ही निर्भर करता है प्राइमरीली, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का बनना दाब पर ही निर्भर करता है प्राइमरीली, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का इसमें डायनेमिक फैक्टर्स का रोल है, ठीक है। और जेट स्ट्रीम का आपने देख ही लिया कि जेट स्ट्रीम अगर नीचे गिर रही हो तो वहां भी एंटीसाइक्लोन बन सकता है। तो हाई प्रेशर एरिया, अब वो हाई प्रेशर किसी भी कारण से हुआ हो, या तो डायनेमिक रीजन होगा या टेम्परेचर, दो ही रीजन हो सकते हैं, थर्मल या डायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक रीजन हो सकते हैं उसके। अल्टीमेटली एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन कहां डेवलप होती है, जहां पर किसी भी कारण से हाई प्रेशर कॉलम क्रिएट हो जाए, एयर कॉलम, और इस प्रकार अपराइजिंग हवा का स्कोप नहीं बने। तो जहां भी अपराइजिंग एयर का स्कोप नहीं हो, उल्टा हो जाए, वहां पर एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर उसमें ध्यान से समझिए इस बात को कि साइक्लोन में इतनी सारी कंडीशंस का फुलफिल होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप ये देखिए ना कि ऊर्जा का स्रोत घूम घुमा के किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी डायनेमिक या स्टैटिक स्ट्रक्चर के बनने के पीछे उसका स्रोत इंपॉर्टेंट है ना, उसका स्रोत कि क्या इस कंडीशंस में, इन कंडीशंस में जो सोर्स है वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। जितनी देर तक सोर्स सस्टेन करेगा उतनी देर तक वो बना रहेगा। तो साइक्लोन के केस में इसलिए इतनी सारी कंडीशंस महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वहां पर सोर्स ऑफ जो एनर्जी है साइक्लोन की वो मॉइस्चर से आती है, तो इसीलिए पानी होना चाहिए, पानी गर्म होना चाहिए, इवेपोरेशन होना चाहिए, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं, इतनी सारी चीजें देखिए होगी क्योंकि नीचे से ऊपर उठना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके और साइक्लोन बनाना है, एक तरह से देखिए तो है कि नहीं है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल के अगेंस्ट जाके साइक्लोन का बनना है और फिर उसको बने रहना है, तो उसके लिए उसको सस्टेन होने के लिए बहुत सारी कंडीशन की जरूरत पड़ती है। जबकि एंटी साइक्लोन में क्या हो रहा है, ऑल दैट इट रिक्वायर्स कि कोई नीचे दाब दे, दैट्स ऑल। अगर एयर प्रेशर जो है वो हाई है, उच्च दाब का इलाका क्षेत्र है, तो दैट्स ऑल, उसका सोर्स वही है, उसको कहीं और से कंडेंसेशन और इस सब से कहीं से एनर्जी की थोड़ी जरूरत है, वो तो जब लो प्रेशर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तब जरूरत पड़ती है। तो नेचुरल है ये, मतलब लॉजिकली समझा जा सकता है कि साइक्लोन में जितनी सारी कंडीशंस हैं ना, एंटी साइक्लोन्स में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम भी अब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। हमने जाते जाते लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइमेटिक फिनोमेनन के बारे में भी पढ़ा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिन्हें कहते हैं, कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, इसको अगर इसका मानवीय जो मानव समाज पे यानी हमारे देश पे जो प्रभाव है, जो जलवायुवीय प्रभाव है, उसको जाड़े की बरसात के रूप में जो है वो जाना जाता है कि जाड़े में जो बरसात होती है दिल्ली वगैरह के आसपास के इलाकों में और जो हिमपात बहुत अधिक हो जाता है, ऐसे जो थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि वहां टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आकर वो खींचते चले आते हैं और जो है जेट स्ट्रीम जो है अल्टीमेटली उन्हें भारत के उत्तरी इलाकों में ले आती है, क्योंकि जाड़े के समय क्या होता है कि जेट स्ट्रीम का एक भाग तिब्बत के पठार के नीचे और एक भाग ऊपर चलता है, दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है और इस प्रकार यहां तक खींच लाने में मदद होती है। तो ये सब पढ़ने के बाद हमने जो मुख्य बात, जो टेक अवे है, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली संकल्पना थी, वो ये थी, क्लाइमेट का जो चेंज होता है, जिसे जो ट्रॉपिकल चेंजेस होते हैं वर्ष दर वर्ष, सीजन टू सीजन जो चेंज होते हैं, वो सीजनल चेंजेस जो हैं, उनका जो मूर्त रूप अगर आप देखना चाहें तो वो ऐसे होता है, आईटीसीजेड का शिफ्ट होना, या कह लीजिए जितने भी वायु पेटियां हैं, जितने भी बेल्ट्स हैं, जितने भी सेल्स बन जाते हैं, ये आप जो देख रहे हैं सेल्स, ये हेडली सेल वगैरह जो बन जाते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम का सूर्य महाराज के इधर आने पर, एक पहला पॉइंट सूर्य महाराज के यहां आ जाने पर उत्तरी गोलार्ध में, नंबर दो लैंड मास और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साउथ की तुलना में नॉर्थ में अधिक लैंड मास होने के कारण, तो दो महत्वपूर्ण कारण हो गए, आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाता है, इनफैक्ट ये पूरी चीज ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है, यही महत्वपूर्ण कारण है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विशिष्ट प्रकार की जो जलवायुवीय घटनाएं होती हैं, मॉनसून हो गया जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मॉनसून है,
वो जो घटना है वो इस पर्टिकुलर घटना का परिणाम है। अब वो कैसे होती है आज हम वो समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कैसे होता है, मानसून क्या है। तो हम चलते हैं कि सूर्य महाराज जो है वो उत्तर की तरफ आ रहे हैं, उस सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, हल्का सा जान लीजिए, आपको ये चीज भी हल्की से बता के छोड़ देती है, याद हो अगर आपको, कि ये जो जेट स्ट्रीम होती है, पोलर जेट स्ट्रीम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो स्टेबल भी रह सकती है और अनस्टेबल होकर मीएंडरिंग कर सकती है। पोल वाली की बात हो रही है, ठीक है। ये जगह तो ये किसकी जगह है अदरवाइज ये जगह किसकी है, कौन सी जेट स्ट्रीम की जगह है? ये तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की जगह है ना, सिंपल तो आप जानते हैं, ये जगह तो सब ट्रॉपिकल वाली है। लेकिन देखिए, पोलर जेट स्ट्रीम इतना डिस्टर्ब हो जाएगी, कोल्ड एयर यहाँ पर जब ठंडक बहुत बढ़ जाती है तो पोलर वॉर्टेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये पोलर वॉर्टेक्स है, ये पोलर जेट स्ट्रीम है। पोलर वॉर्टेक्स जो है बहुत बड़ा समझिए, बहुत ठंडा कंडेंस्ड कोल्ड एयर मास समझिए इसको, तो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इस प्रकार से टूट टूट बिखर जाता है और फिर धकेल देता है, तो पोलर जेट स्ट्रीम भी जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है और वार्म एयर इधर जाएगी, ठंडा नीचे आ रहा है, तो यहां पर भी फ्रंट का निर्माण होगा, आप समझते हैं। तो ऐसा होता है पोलर वॉर्टेक्स, उसमें न्यूज आइटम में भी आता रहता है कभी कभी, साल दर साल में जो है न्यूज छपती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जून 2021 कब का आइए, सिग्निफिकेंट पोलर वेदर इवेंट सेट टू लीड टू टोरेंशियल रेन प्लमीटिंग टेम्परेचर्स एंड वाइड स्प्रेड स्नो, आप समझ रहे हैं। तो पोलर वॉर्टेक्स जब भी डिस्टर्ब होता है, दो चार सालों में जब भी ऐसा हो जाए अगर, तो बहुत एक्सट्रीम्स वेदर का जो एक्सट्रीम्स है वो देखने को मिलता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो हम बात कर रहे थे, अब सारी चीज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं मानसून के बारे में, उस मैकेनिज्म को समझने के लिए जो कोर कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ITCZ, और ये समझना, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर लेना कि रेखा गणित के हिसाब से धरती के जो दो भाग है, इक्वेटर है वो अलग है, रेखा गणितीय इक्वेटर जो है वो अलग है, और जलवायुवीय इक्वेटर कह लीजिए, क्लाइमेटिक इक्वेटर कह लीजिए, या एनवायरमेंटल इक्वेटर कह लीजिए, एटमॉस्फेरिक इक्वेटर जो भी कहना है कह लीजिए, तो ये जो है थर्मल जो इक्वेटर है वो अलग है, वो ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो आप सोचें, और एक तो ये कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं नहीं, सोचता हूं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूं, अगर मिल जाता है तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट आपको दिखा देता हूं। विकिपीडिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार देख लीजिए। दो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं अभी टू स्टार्ट विद, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ ले जा रहे हैं, मॉनसून की मैकेनिज्म को ठीक से समझना आवश्यक है, और उतना सरल है, लेकिन अगर एक बार आप अच्छे से सब समझ जाइए तब सरल है। तो अब हम बहुत मौलिक जो आधारभूत सिद्धांत है उनसे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका पहला, इस शिफ्ट का, बेसिक से एडवांस की तरफ जाने का पहला कॉन्सेप्ट यह है कि ITCZ जो है वो ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, ये बेसिक था। ITCZ एक कॉन्टिन्यूअस बेल्ट नहीं है, ये पहला एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आप समझिए, आप समझना शुरू कीजिए साथ साथ। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं कि नहीं है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, मैं आपके कॉन्सेप्ट से ही पूछता हूं, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आप खुद बताइए हमें कि क्या ITCZ एक कॉन्टिन्यूअस बेल्ट हो सकती है, आप खुद सोचकर बताइए। अभी तक कॉन्सेप्ट को खाली दिमाग में रखने के लिए हमने बोल दिया ITCZ, लेकिन आप सोचकर देखें जरा, अल्टीमेटली ITCZ बनता क्यों है, चलिए सवाल जवाब पे आ जाइए, ITCZ का निर्माण क्यों होता है,
उसके पीछे कौन सा कारण है? एक तत्व अगर नाम लिखना हो तो क्या है? थर्मल, ठीक बात है, टेम्परेचर है, गर्म हो जाना, जो भी सरफेस है उसका बहुत गर्म हो जाना और उससे हवा ऊपर उठ जाए, लो प्रेशर के डेवलप हो जाना, सब लोग जो है एग्री करते हैं। कन्वर्जेंस वो सब इफेक्ट है, कन्वर्जेंस वगैरह जो लिख रहे हैं वो इफेक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, मैं परिणाम नहीं कारण पूछ रहा हूँ। ITCZ वाली बेल्ट जो हमने अभी तक पढ़ी है उसके बन जाने का कारण क्या है? उस एरिया का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, बहुत ज्यादा हीटेड रहना, ठीक बात है। तो इस एरिया का, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया इलाका है इसका बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, यहां तक किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पिछले 3-4 लेक्चर से यही तो बात कर रहे हैं कि जहां जमीन होगी वो ज्यादा गर्म हो जाएगी, ये थोड़ा उसकी तुलना में कम, फिर जमीन ज्यादा गर्म उसकी तुलना में कम, फिर जमीन ज्यादा गर्म, ये होगा कि नहीं होगा? ये बात भी सही है, दोनों ही सिद्धांत सही है ना? हाँ ये बात सही है कि ये पूरी पट्टी बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म होगी, ये ठीक है, गर्म होती रहती है बार बार। लेकिन दूसरा सिद्धांत भी तो है कि जमीन ज्यादा गर्म होगी, पानी उसकी तुलना में कम, तो क्या यह एक्सपेक्ट करना कि कुछ एरियाज जो होंगे वो ज्यादा लो प्रेशर के होंगे और वो ऐसे छोटे छोटे जो है वो एयर मासेस के रूप में, इतना बड़ा लो प्रेशर एरिया, फिर ये लो प्रेशर एरिया, फिर थोड़ा सा ना उतना लो नहीं, फिर और लो, ये ऐसे इस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी कि नहीं? और दरअसल सच पूछो तो यही क्यों, जहां कहीं भी देखोगे, जहां भी लैंड मास और वाटर ऐसा होगा, तो लैंड के ऊपर का जो एयर मास है वो दूसरे प्रकार से, दूसरी उसकी डेंसिटी दूसरी होगी, उसका टेम्परेचर दूसरा होगा, और जो वाटर के आसपास का है उसका दूसरा होगा। क्लियर है भाई, समझ रहे हो बात? तो वो जोन ऑफ टेम्परेचर एक हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई ज्यादा गर्म, कोई कम गर्म, कोई ज्यादा ठंडा, कोई कम ठंडा, ये होगा कि नहीं होगा? तो वो पट्टी बनेगी लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाएगी। अंडरस्टूड? तो होगा ये कि कुल मिलाकर बहुत सारे टुकड़े पैचेस में जो है वो एयर मास वहां पर डेवलप होंगे, ना कि एक पट्टी, यानी एक चेन नहीं डेवलप होगी पूरी, एक पट्टी बेल्ट नहीं डेवलप होगी, छोटे छोटे पॉकेट्स समझिए आप, एयर पॉकेट्स जो है डेवलप होंगे, जिनको कॉन्टिनेंटल एयर मास कह लीजिए, कुछ कॉन्टिनेंटल एयर मास है, कुछ मैरीटाइम एयर मास है, जो समुद्र के ऊपर डेवलप होगा वो मैरीटाइम एयर मास, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर डेवलप होगा वो कॉन्टिनेंटल एयर मास, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा एडवांस वाला कि ये जो एयर बेल्ट हमने इतनी सारी पढ़ी है कि ये लो प्रेशर जोन है, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? मतलब कहां पढ़े? ये इस वाले चित्र की मैं बात कर रहा हूं, ये देखो, यही दिक्कत है इसमें। मैं ये कह रहा था कि ये जो पट्टियां हम पढ़ते आए हैं अभी तक, ये जो पट्टियां पढ़ते आए हैं, लो प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन है, फिर लो प्रेशर जोन है, याद आया? ये कॉन्टिन्यू, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि माना कि ये हाई प्रेशर एरिया है कि नहीं है, ये हाई प्रेशर जोन है कि नहीं है, कि लो प्रेशर जोन है? निर्मल लाते हैं तुम्हारे प्रश्न पर, पहले ये बता दे सब लोग, हाई प्रेशर है ना भाई, तभी तो हवा इधर से इधर जा रही, दूर भाग रही, तो ये हाई प्रेशर जोन है? हाँ है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे और बारीकी से तो पूरा का पूरा एक समान हाई प्रेशर बेल्ट नहीं बनेगी, अलग अलग टुकड़ों में, पॉकेट्स में बनेगा। इसी प्रकार यहां भी यही होगा, पूरी की पूरी लो प्रेशर कंटिन्यूअस नहीं बनेगी, पॉकेट्स में, जमीन के ऊपर अलग, समुद्र के ऊपर अलग, जमीन के ऊपर अलग, समुद्र के ऊपर, और उनमें आपस में थोड़ा 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 डिफरेंस होगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। From this, can we deduce that latitudinal changes of jet streams are somehow related to this latitudinal difference in ITCZ?
व्हाट डू यू वांट टू आस्क एक्चुअली वंस. देखो इसको ऐसे समझो, ये सवाल आना नहीं चाहिए था मन में, इसलिए मैं दूसरी तरह से इसको अप्रोच कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को. तुम्हारा प्रश्न ये है कि जो आईटी सीजन में लैटिट्यूडनल चेंज होता है वही जेट स्ट्रीम्स में भी वही लैटिट्यूडनल चेंज होता है, क्या वही जिम्मेदार है उसके लिए? आप इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि दोनों के दोनों हवा के मार, आप इस बात को क्लियरली दिमाग में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि आईटी सीजेड जमीन के पास वाला एरिया है और जेट स्ट्रीम 10 किलोमीटर ऊपर है, ये समझे कि नहीं समझे? दोनों को तुलना तो आप कर रहे हो. मैं अपना ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे, मेरे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का पर्पस ये है, ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, लो प्रेशर एरिया हाँ है ना, वो जो ऊपर आसमान में जेट स्ट्रीम चल रही है वो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, बिल्कुल है, इसमें कहां कोई दो राय, वो भी सेंसिटिव है. समझ रहे हो बात को? दोनों ही इंडिपेंडेंटली भी टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे और पूरा जोन जब शिफ्ट करेगा ऊपर नीचे तो दोनों ही होंगे, ठीक बात है. इसलिए किसी एक को कारण और दूसरे को परिणाम बताना ठीक नहीं है. ऑब्वियसली अल्टीमेटली हो सब टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से ही हो रहा है, लेकिन ये सब 1, 2, 3 और ऊपर सबके सब टेम्परेचर को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. टेम्परेचर और जहां डायनेमिक फैक्टर्स होते हैं वहां अर्थ के रिवोल्यूशन और कोल्ड पोलर जो प्रेशर है उसके उसको रेस्पॉन्ड करते हैं. तो एक ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के लिए किया गया रेस्पॉन्स है तो, और दोनों ही उसके परिणाम है. ITCZ की भी शिफ्टिंग इन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का परिणाम है, जेट स्ट्रीम की भी शिफ्टिंग इन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का परिणाम है, दोनों ही परिणाम है. आपस में उनमें कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करना पता नहीं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं इस विषय का, लेकिन मैं इसे बचना चाहूंगा और अगर मुझे और अध्ययन करके अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं जरूर शेयर करूंगा अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो, ठीक है. तो अभी यहां तक मानकर चलिए कि ये दोनों ही उसके परिणाम है, टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों के मिले जुले जो मैकेनिज्म चल रही है इतनी सारी, ये सब शिफ्टिंग जितनी भी हो रही है वो उसका रिजल्ट है, कॉज नहीं है. तो ये इसका कॉज नहीं है, ये इसका कॉज ऐसा कहना पता नहीं हो सकता है, होगा क्या अल्टीमेटली जब हम कहते हैं कि ये भी उसी वजह से हो रहा है वो भी उसी वजह से हो रहा है. जैसे एक पीढ़ी में देखिए, एक पीढ़ी है तो पीढ़ी का आप अगर देखें किसी हायरार्की उनकी देखिए अगर लीनियज में, तो पोता जो है वो पिता की वजह से आया है दुनिया में, हाँ ठीक बात है, और पिता जो है वो दादाजी की वजह से आया है, लेकिन पोता भी तो दादाजी की वजह से आया है, दादाजी ना होते तो पोता कहां से होता. तो यस ये बात सही है कि फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप सेकेंड डिग्री रिलेशनशिप हो सकता है, बिल्कुल. उस सीढ़ी में जब देखने जाएंगे तो हो सकता है कि इमीडिएट रीजन इसका ये हो, अभी बताऊंगा, अभी मैं इसको नहीं खोलना चाह रहा था, कोई बात नहीं, कि हो सकता है कि मेनली सबसे टेम्परेचर सेंसिटिव इलाका ये है, तो ये जैसे ऊपर नीचे होता है तो ये भी होता है. अब इसको दूसरे तरीके से कह सकेंगे कि अगर जेट स्ट्रीम ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी, गर्मी में जेट स्ट्रीम भी ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी तो सख्त से खींच लेगी, जो जगह यहाँ खाली होगी उसको भरने के लिए ये भी खींच जाएगा. तो एक दूसरे का कारण परिणाम छोटे छोटे स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे संकल्पना के स्तर पे अगर सोचिए तो ये दोनों ही घटनाएं किसी एक ओरिजिनल या मूल घटना का परिणाम है. और क्या है वो मूल घटना? थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म्स, टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड से मिलकर बनी हुई जितने भी घटनाएं हैं जो असली कारण है वो शिफ्टिंग का कारण होती है, और शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है. इन सबकी जितनी भी शिफ्टिंग हो रही है उसके पीछे मूल कारण तापमान और दबाव है. क्या ये ठीक है? फाइन है निर्मल, आर यू ओके विद दिस आंसर? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों मैं बच रहा हूं इसको आपस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से मैं एस्टेब्लिश करने के. ओके, अभी आपको एहसास हो जाएगा. तो यहां तक आप समझ गए कि एयर पॉकेट्स होते हैं. तो सेकेंड कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या जाना कि ITCZ अपने आप में ही एक कंटिन्यूअस बेल्ट नहीं है. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या जाना हमने कि बाकी जगह भी जो है एयर मासेस होते हैं, बड़े बड़े एयर मास, कॉन्टिनेंटल एयर मास, मैरीटाइम एयर मास, वहां भी कोई कॉन्टिन्यूस बेल्ट हो ये आवश्यक नहीं है. ठीक है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट का समय दीजिए.
later on then circulate. आज बस मैकेनिज्म समझते चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, परेशान नहीं होगी. सो वी वर देयर, सो यू अंडरस्टैंड अबाउट एयर पॉकेट्स ऑल्सो, फाइन. आप जब ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है. प्लीज वेट फॉर सम सेकंड्स. ओके, व्हाट्स द इशू, व्हाट इज हैपनिंग. चलो तो ये वाला पार्ट समझ गए. अब देखिए, हाँ, जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाह रहे थे वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, वापस आपको मैं रिपीट कर देता हूं तो इजी हो जाएगा सबके लिए. एंड दैट कॉन्सेप्ट इज व्हेन द एंटायर बेल्ट दैट बेल्ट्स ऑल द बेल्ट्स दैट यू सी इफ दे शिफ्ट स्लाइटली अपवर्ड्स देन व्हाट विल हैपन is that those forces which depend on the geographical equator and the forces which depend upon thermal equator, they become different from each other. ठीक, जैसे ही thermal equator जब तब तक तो सेम है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है. जब यहां से ऊपर अगर उठ जाएगी, ठीक है, अगर ऊपर उठ जाएगी ये थर्मल इक्वेटर अलग हो जाए, तो कुछ ऐसे बल हैं जो इक्वेटर पार करने पे, ये लक्ष्मण रेखा पार करने पे इनका स्वरूप दूसरा हो जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं कोरियोलिस फोर्स. तो दिक्कत क्या आती है, देखिए दिक्कत कह लीजिए या जो चेंज आता है वो ये है कि जब तक, इसको बड़ा करके आपको समझा देते हैं और यहीं पे आप समझ ले तो बहुत अच्छा है. अगर माना कि समझिए कि कौन सा महीना चल रहा है अभी, मान लिया हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से समझने जा रहे हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य जो है महाराज ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, पूरा का पूरा इलाका जो है वो गर्म हो रहा है. सूर्य महाराज इनके बीच में यहाँ गर्म कर चुके हैं, गर्म करके मान लीजिए लौट रहे हैं, या इस इलाके को पूरा गर्म कर रखा है उन्होंने अच्छे से, ठीक है. यहाँ जो भी लैंड मास है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं, ठीक है, पूरा लैंड मास पूरा सब इलाका जो है गर्म हो गया है. आईटी सीजेड जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है. तो आईटी सीजेड ऊपर शिफ्ट हो गया है का क्या मतलब है, इस हवा और इस हवा के मिलने का स्थान जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है. तो जैसे ही ये स्थान ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इससे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस हवा को जो दक्षिणी गोलार्ध में बह रही थी और वहां के कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से अपनी दिशा को परिवर्तित कर रही थी, वो अब उत्तरी गोलार्ध में बहने लगेगी और इसको क्रॉस करके यहां कहीं आके उनका मिलने का स्थान बनेगा. ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे. तो यदि ऐसा होता है कि ये हवा यहाँ जो आ रही थी वो मान लीजिए ये है ITCZ, फाइनली ये बनता है, तो एक हवा जो है वो यहाँ आ रही थी वो तो ऐसे ऐसे ही है, ठीक है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो नीचे से आने वाली हवा है अगर उसका कलर येलो कर दिया जाए, तो ये जब जैसे यहां पर ऐसे थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा वैसे ही इसी पॉइंट से इसकी दिशा बदलने लगेगी, इसको जो है कोरियोलिस फोर्स जो है वो राइट की तरफ घुमाना शुरू कर देगा. ठीक बात है, समझ रहे हैं यहां तक, ठीक है. और यहां कहीं आके मान लीजिए कन्वर्जेंस जोन जो है वो यहां आकर बनता है, तो लाल वाला ऊपर से और पीला वाला नीचे से आके यहां मिल रहे हैं. तो जितना भी इलाका इसके बीच में पड़ेगा, मान लीजिए इस इलाके को देखिए, इस इलाके की बात हम करते हैं, इस छोटे से इलाके की बात करिए, तो यहां पर क्या होगा, इस इलाके में क्या होगा कि हवा ऐसे बहेगी, यूं बहेगी, ठीक है. तो वही हवाएं, अब मेरा वक्तव्य को ध्यान से पढ़िएगा, वही हवाएं जो सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, जो जब सदर्न हेमिस्फेयर में थी तब इस तरफ मुड़ रही थी और इसीलिए उनका नाम क्या था, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि उनका डायरेक्शन साउथ ईस्ट से आ रही थी इसलिए, और क्या, सिंपल है. वही जब अपना रास्ता बदल देंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आके मान लीजिए यहां पर कन्वर्जेंस जोन हो रहा है, तो इतने भर के लिए, खाली इतनी डिस्टेंस के लिए, ये जो डिस्टेंस काले से मैं दिखा रहा हूं, इस डिस्टेंस के लिए इनका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया. तो जो व्यक्ति यहां रह रहा है जिसको इतना सारा कहानी नहीं मालूम है इधर उधर का, उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि जो जब तक कुछ नहीं हुआ था, मान लो एक आदमी ये इक्वेटर पर रह रहा है, कोई इक्वेटर पर जब तक
ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ था तब तक हवाएं कैसे चल रही थी? ऐसे। जब ITCZ शिफ्ट हो गया तब हवा कैसे चल रही है? ऐसे। तो विंड डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए? पुरवैया हो पछिया हो, टाइप का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक बात है। और इसी को अब मनुष्य ने कैसे इन चीजों को पहचाना, और बहुत समय से पहचान रहा है मनुष्य, ऐसा आज की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, आप देखेंगे तो जो कोस्टल एरिया है बंगाल उड़ीसा ये सब का जो कोस्टल एरिया है वहां पर एक विशेष प्रकार की जो है वो बैसाखी जो भी त्योहार अलग अलग नाम उसके हैं वहां पर वो मनाई जाती है कि यहां से अब विंड पैटर्न चेंज हो गया है। और वो त्योहार क्यों मनाया जाता था? क्योंकि पहले मोटराइज्ड बोट्स तो थी नहीं, तो हवा के ऊपर ही जो है वो निर्भर था, जो समुद्री यातायात है वो हवा के ऊपर निर्भर था। तो जब हवा चेंज होती थी, मान लीजिए किसी को यहां से वहां जाना है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको इस हमारे भारत का एक एक नक्शा कहीं देखते हैं भारत का, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यही यही चलिए यही ले लीजिए, इस नक्शे में देखिए, ठीक है। जब तक ITCZ शिफ्ट नहीं हुआ है, आप मेरे ध्यान से सुनिएगा बात, ITCZ जब तक शिफ्ट नहीं हुआ, यहां पे ITCZ है मान लीजिए, और वो अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो इस इलाके में हवा कैसी चल रही होगी बताइए? ये डायरेक्शन होगा कि नहीं? वही तो, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट ही तो होता है कि नहीं है? और तो यहां से किसी आदमी को पॉइंट नंबर ए से, देखिए समझिए इस चीज को, मैं आप और बड़ा करके दिखा, हाँ, इस पॉइंट से इस पोस्ट से किसी को चलकर इधर जाना है मान लीजिए, तो ये उसको हेल्प करेगी कि अगेंस्ट है उसके? किसी को ऊपर से नीचे आना हो, हाँ, यहां इधर आना हो तो उसके लिए तो बढ़िया है भाई चलो, लेकिन किसी को अगर विपरीत दिशा में भ्रमण करना है तो उसके लिए हवा जो है वो अनुरूप नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। तो हवाओं के चेंज होने का संबंध यात्राओं की शुरुआत हुआ करता था, समझ गए बात को? इसीलिए उनको कोमेमोरेट करने के लिए उनके लिए भी छोटे छोटे अपना फेस्टिवल या त्योहार बना लिए लोगों ने। समुद्री जो लोग समुद्री यात्राएं करते थे, जो और समुद्र से किसी और प्रकार से जो जुड़े हुए थे, जिस जो बहुत पहले से जानता था कि इतने तारीख के बाद प्लान करेंगे या इस महीने के बाद प्रारंभ करेंगे यात्रा अपनी, क्योंकि तब हवाओं से मदद मिलेगी। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ विंड्स है ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत समय से लोग इसको जो है वो जानते रहे हैं, और बहुत समय से इसका अपने आर्थिक महत्व के लिए उसका उपयोग भी होता रहा है। आप दूसरे साइड का भी देख लीजिए, इस साइड का देख लीजिए, कितना यातायात हुआ है। आपको मालूम होगा कि भारत से और ये जो इलाका पूरा इलाका है, ठीक है, मिडिल ईस्ट जिसे बोला जाता है, पूरा मिडिल ईस्ट या कह लीजिए पूरा जितना भी भाग है पूरा एशिया का, हमारे लिए हम कह लीजिए कि वेस्ट एशिया का ये जो पूरा भाग है वो वहां से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वहां से जो है गोल्ड मसाला सब आप जानते हैं, फैब्रिक इंडिया का तो बहुत समय से रहा है। उस समय भी जब मोटराइज्ड बोट्स नहीं हुआ करती थी तब इसका महत्व हुआ करता था कि ये जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं कि साउथ वेस्ट विंड्स आ गई हैं, इसके आधार पर जो है वो यात्राएं प्लान की जाती थी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। यूके का है बोला, यूके बाद में बहुत बाद में आया ना, यूके तो यूनाइटेड किंगडम तो बाद में आया, पहले से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। वो कहां से रहे हैं? वेस्ट एशिया से, बहुत समय से रहा है ये चीज। इनफैक्ट आगे चलिए, आगे बताता जाऊंगा, अभी रुक जाइए नहीं तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी चीजें, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो वापस आ जाइए, तो यहां तक तो आप समझ रहे हैं आपकी हवाओं के चेंज होने का अनुमान और उसका आभास, और उसके आधार पर अपने महत्वपूर्ण जो हमारे जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो लेने का की जो बात है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, वो कोई नई बात नहीं रही है, सब लोगों को ज्ञान था इस चीज का, ठीक है। अब अगली बात, यहां तक आप समझ गए, शिफ्टिंग ऑफ विंड डायरेक्शन आप समझ गए, तो अब आप ध्यान से सुनिए कि जब तक ITCZ शिफ्ट नहीं हुआ है, यानी सूर्य महाराज इस तरफ होंगे कहीं पे, यहाँ कहीं इक्वेटर के नीचे शायद होंगे, तो यहाँ पर ठंडक पड़ रही होगी, ठीक बात है, यहाँ पर जो है वो ठंडक पड़ रही है, हवा का डायरेक्शन ये है, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न विंड चल रही है, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा कि अगर हिमालय हिमालय जो होता है वो हमें इस कोल्ड एरिया के
जो है वो उसकी जो शीत, बहुत ही ज्यादा शीत जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनसे बचाता है। ये आप बचपन से ही छोटे हैं तब से पढ़ते आए होंगे, आप आज आप उसको ठीक से समझें कि वो एक्चुअली क्या कहा जा रहा है। ठीक है, वो विंड्स, उन विंड्स की से बचाता है जो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आएंगी, वो ठंडक लेके आएंगे, तो वो बैरियर की तरह कुछ हद तक काम करता है। बहुत कम हवाएं जो है वो इधर पार होती हैं, और वो उनकी भी अपनी मैकेनिज्म है, लेकिन अभी मैं आपको उसे परेशान नहीं करना चाहता हूं। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझे आप, विंड का जो डायरेक्शन। अब हम इंडियन मानसून के पर्सपेक्टिव में है सब चीजें समझना शुरू करेंगे, और सुनते जाइएगा, महत्वपूर्ण है ये। वो पीडीएफ मिले चाहे नहीं मिले, मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास करता हूं, मिल भी जाएगा, डोंट वरी। पहली घटना, विंड का डायरेक्शन चेंज होना। फर्स्ट, आईटी सीजन यहां शिफ्ट हुआ, विंड डायरेक्शन चेंज हो गया, और हम सरल से जटिल की तरफ जाएंगे कॉन्सेप्ट में। पहली घटना याद रखना, अगला, अभी क्या समय हो रहा है, अगला आधा घंटा एकदम शांति से फोकस से इस चीज को सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। इक्वेटर जियोग्राफिकल एक डिमार्केशन है, आईटी सीजेड थर्मोडायनेमिक डिमार्केशन है, आईटी सीजेड ऊपर शिफ्ट हुआ। जैसे आईटी सीजेड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, वैसे ही इन हवाओं को अपने पास समेट लाता है। जो हवाएं ऐसे चल रही थी वो ऐसे हो जाती है, डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती है। ये हवाएं जो डायरेक्शन इतना इजी नहीं है अभी, लेकिन लेयर बाय लेयर चलेंगे। ठीक है, ये हवाएं मान लीजिए ऐसे चल के इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अब हम वो कॉन्सेप्ट को लाते हैं अपने साथ में कि जब भी इस तरफ से आने वाली हवाएं ऐसे डायरेक्शन चेंज करेंगी तो अपने साथ समुद्र से भूमि की तरफ आ रही है। ठीक है, ओशनिक सरफेस से लैंड सरफेस पे आ रही है, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी कि नहीं। हालांकि ये तो सीजन के हिसाब से हो रहा है, लेकिन एक तरह से इनकी बेसिक जो मैकेनिज्म है वो वही वाली नहीं है जो हमने पढ़ा था कि सुबह जो है कैसे जो है सी ब्रीज चलती है और शाम को कैसे रात में लैंड ब्रीज चलती है, याद है आपको। तो अल्टीमेटली मैकेनिज्म घूम के वही है, लेकिन एक बहुत अलग ही टाइम पीरियड में हो रही है, टाइम पीरियड और लार्ज स्केल पे हो रही है। तो हवा इस तरह से आई और यहां से ऐसे जब डायरेक्शन अपना चेंज करेगी तो इस तरफ से आने लगेगी। तो यहां जब आएगी हवा, मॉइस्चर लिए हुए जो मॉनसून विंड्स हैं वो इस प्रकार, ये बेसिक मैकेनिज्म है। यहां पर मैं आपको रोक कर एक चीज बता देना चाहता हूं कि पहले पहल जो जब लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो पहला जो उनको दिमाग में लॉजिक आया वो सिंपलेस्ट लॉजिक था, और वो वही लॉजिक था, लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाला ही लॉजिक था बस, कि भाई ऐसा होता है कि जो है ये गर्म हो जाता है बहुत, ये टुकड़ा जो जमीन का गर्म हो जाता है, जब सूरज उत्तरायण यहां पर होते हैं तो टुकड़ा गर्म हो जाता है, इससे हवाएं चलने लगती हैं, एंड दैट्स ऑल। लेकिन ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी कि ये डायरेक्शन ऐसे क्यों हो जाता है, आईटी सीजन शिफ्ट, ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। तो सबसे सिंपल वर्जन यही था कि जमीन गर्म हो जाती है पानी से ज्यादा और हवाएं इधर चलने लगती है, दैट्स ऑल। लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पर मानसून से जुड़ी हुई तमाम जो घटनाएं हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तब लोगों ने आगे इसमें रिसर्च करना शुरू किया। तो पहली चीज जो सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट था उससे बढ़कर पहला एडवांस कॉन्सेप्ट आया कि सुनो इतना आसान नहीं है, होता दरअसल ये है कि पूरा लैंडमास जब गर्म होता है तो एक आईटी सीजेड चीज होती है वो ऊपर शिफ्ट होती है, और उसके ऊपर शिफ्ट होने के पूरा हवा खींच जाता है ऊपर की तरफ और डायरेक्शन को ऐसे चेंज करता है। ये जो विंड्स हैं जो साउथ वेस्ट हो जाती है, यहां आकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है इनका आने का डायरेक्शन, यही वो मानसून विंड्स हैं एक्चुअली। ठीक है, और क्योंकि सीजनल है इसलिए इन्हें मानसून कहा जाता है। ठीक है, सीजन के हिसाब से चेंज होते, तो आए यहां से मॉइस्चर ले लिया, मॉइस्चर लेके आके यहां पे लड़ गए। अब किसी को अगर याद हो, किसी ने ध्यान से अगर लेक्चर सुना हो, तो क्या आईटी सीजन के ऊपर शिफ्ट होने का प्रभाव सिर्फ हवा पे ही पड़ेगा? टेम्परेचर के रिडिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदारी, ग्लोब के टेम्परेचर के रिडिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किस पर है? सिर्फ हवा पे ही या पानी पे भी है? तो ये जो चेंज आएगा ऐसे ऐसे वाला, ये सिर्फ हवा पे आएगा? आपको ध्यान नहीं है कि अरे भाई यही ट्रेड विंड्स ही तो थी, ये जो ट्रेड विंड्स चलती है ऊपर नीचे इन्हीं की वजह से तो करेंट चलती थी। याद आया किसी को यहां पे? चलो बताओ फिर, चैट बॉक्स में लिखो। यहां पे ऐसे जो करंट यहां से यहां चलेगी उसका क्या नाम होगा?
और यहां से यहां नीचे चलेगी उसका क्या नाम होगा? हवा तो क्लियर है ना सबको, ये जो हवा चल रही है ऐसे और ऐसे, अभी मान लो ये आईटी सीजन शिफ्ट नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे हवा चल रही है। चलो एक मिनट के लिए बताता हूं आपको और याद करके बताओ, ये हवा चल रही है, इस प्रकार से सिचुएशन है। ये जो हवाएं चल रही हैं इनका क्या नाम है? इसका नॉर्थ ईस्ट, इसका साउथ ईस्ट। क्लियर? अब इसी यही हवा पानी कर, पानी को भी ये हवा ही ले जा रही थी, तो ये जो करंट अब हमें जो दूसरे कलर से बना रहा हूं वो पानी बना रहा हूं, इन्हीं हवाओं के ठीक नीचे जो पानी ऐसे ऐसे चल रहा है, सॉरी ऐसे जो पानी चल रहा है इन हवाओं के प्रभाव में, इस पानी का क्या नाम है? ऊपर और नीचे वाले पानी का याद आ गया सबको? नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट कहां, नहीं समझे तुम, सिर्फ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट उसे बोलते थे ना, हवा नॉर्थ ईस्ट है, हवा तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन जो पानी को जब आके टच करता है तो उनका मेजर डायरेक्शन तो ऐसे ही रहता है ना, इस तरफ से ऐसे याद आया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और एक काउंटर करंट चलती है, पढ़ा तो था, भूल गए, सबको याद होगा आई थिंक। ओके, तो अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं, अगर आप इस चीज को समझे तो अगले प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप मुझे कि यदि, और मैं कहीं कुछ भूल रहा हूं, कुछ कई बार फ्रेम ऑफ माइंड बाद में रहता है किसी सेट तो नहीं समझ पाता है, उसको क्लिक नहीं करता है, तो मेरे साथ भी वो होता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कि अगर आप ये वाला पॉइंट समझ गए तो बताइए कि जब ITCZ शिफ्ट नहीं हुआ है तो जो जितना भी पानी चल रहा है इस पूरे इलाके में, जो भी पानी चल रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? या एक विशेष उदाहरण में से मैं आपसे पूछता हूं, ये कोस्ट है मान लीजिए, ये हॉर्न जो है, ठीक है, ये वाला अफ्रीकन जो कोस्ट है ये मान लीजिए, इसमें ये पूरे को तट मान लीजिए, इस तट के से चलने वाली जो जो भी धारा हो है मान लीजिए कोई, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा? इतना तो कॉमन सेंस हम कह ही सकते हैं ना कि भाई ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हवा ही जब ऐसे चल रही है तो ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये होगा डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन ऐसे, जैसे हवा के साथ हो रहा है ऐसे वैसे ये भी ऐसे होगा, तो यहां आके पानी लड़ेगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, रुको देखें, अगर विकिपीडिया पे मिल जाए तो आपका काम हो जाए। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे तो एकदम हमेशा के लिए आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। और मॉनसून पूरे ज्योग्राफी में मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द इजीएस्ट बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में से, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर बल इधर को चल रहा है, हवाएं सब इधर को चल रही है, इस तरह से ऐसे ऐसे चल रही है, तो पानी भी इधर को आएगा, तो जो पानी आएगा भाई वो लड़ेगा अगर यहाँ पर, तो कुछ पानी इधर से हो सकता है बढ़ जाए, बाकी पानी इधर की तरफ चलेगा, फिर हवा का सपोर्ट उसको मिलेगा। इज दैट ऑल राइट? तो जब तक हवाएं नॉर्थ ईस्ट है तब तक सोमाली करंट ऐसे चलेगी कि नहीं? सिंपल सा, यहाँ के लड़ेगी और फिर इधर की तरफ आएगी कि नहीं? और ये याद है, ये क्या है जल्दी बताओ, ये क्या है? ये काउंटर करंट है कि नहीं है? ठीक, तो इधर समझते हो आप, इसमें कोई दूर है, तो कुल मिलाकर एक साइकिल जैसी बन जाएगी, ठीक है, इसे भूल जाइए, अभी साइकिल पर मत जाइए, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज, ये समझ गए। अब मैं आपको कहता हूं
कि आप इसी चित्र में ITCZ को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए शिफ्ट हो गया, तब क्या होगा बताएं मुझे। जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स ऐसे चल रही थी उनका डायरेक्शन ऐसे साउथ वेस्ट हो जाएगा। अभी यही पढ़े हमने, यही चीज हमने पढ़ी कि जैसे इक्वेटर क्रॉस होगा वैसे ही हवा ऐसे हो जाएगी, तो सोमाली करंट जो है वो सोमाली करंट खुद भी पलट जाएगी कि नहीं पलट जाएगी। तो जो ठंडा पानी रिलेटिवली ठंडा पानी गर्म की तरफ आ रहा था तो गर्म पानी ठंडे की तरफ जाने लगेगा। क्लियर, सबको क्लियर हो गया भाई? ये बहुत छोटी सी चीज है, सिर्फ एक ही उदाहरण था, आपको एक स्पेसिफिक उदाहरण देना चाह रहे थे कि जब हवाएं बदलती हैं तो पानी की करंट्स भी बहुत सारे चेंज होते हैं। सोमाली करंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी आपको बता रहे हैं, और इतना इजी नहीं है। एक और इसमें कंसेप्ट है भयानक लेकिन अभी नहीं बताएंगे, तो ये भी आप समझ गए ठीक है कि करंट्स कैसे चेंज होती है। ये सीजनल चेंज होगा, इसको अभी ये तो जैसे हवा के अनुसार पानी की करंट भी ओशनिक करंट भी जो है वो चेंज हो रही है, बस इतने तक, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों चीज समझ गए तो अब तीसरी चीज मैं आपको सिंपलेस्ट बताता हूं। इसी चित्र को समझते हैं कि हवा ऐसे उठी, यहां से मॉइस्चर को जो है कलेक्ट किया, ठीक है, मॉइस्ट विंड जो है वो आके ऐसे 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 आके बढ़ी। तो जैसे मॉइस्ट विंड जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉइस्चर लिए हुए विंड यहां की तरफ बढ़ेगी और अगर किसी बैरियर से टकराई तो कौन से टाइप की रेनफॉल होगी भाई? जल्दी लिखो, तब तक हम अगला चित्र सर्च कर लें। सब यही तो दिक्कत है, सब मेरे PDF में मैंने सब कर रखा था, भगवान जाने नहीं इनका नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया में इन चेक करते हैं। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, आप तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ठीक है, क्योंकि मीडिया से समझते हैं बहुत इजी, हालांकि आप सब पढ़ चुके हैं पहले से जानते भी हैं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, इसमें हम लोग सहमत हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं कि हाँ इससे ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी। तो ओरोग्राफिक रेन फॉल के लिए कौन जिम्मेदार होगा भाई, वहां कौन सा बैरियर है, जल्दी से बताइए भाई कि जब हवा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगी तो वहां कौन सा बैरियर मिलता है? ये देखिए हवाएं चल रही हैं जो, ठीक है, तो कौन सा बैरियर यहां पर उनको मिलता है? बस इतने से समझने का प्रयास करिए, धड़ाधड़ निपटा देते हैं, चिंता की बात ही नहीं। चलिए बताइए साउथ वेस्ट, सॉरी फाइन, तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून की हवाएं इस तरह से हवा चेंज हुई है, इधर की तरफ चलने लगी है तो यहां पे आए, ठीक है, ऐसे सारी हवाएं यहां पर आती है। तो ध्यान से सुनना हमारी बात, वो हवा जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, यहां पर ये यह रोक दे रहा है, कौन सा यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स, आप सब जानते हैं, बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है इस जगह पर इस पॉइंट पर टकराएगा, कह लीजिए तो टकराते हैं, इसके दो भाग हो जाएंगे, ये तो पूरा रेन शेडो टाइप के एरिया में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, तो ये सब रेन शेडो हो गया, यहाँ कोई बारिश नहीं होगी, जो जम के बारिश होगी वो यहाँ पर होगी, इस एरिया में खूब बारिश हुई, ठीक है, ऐसे ऐसे लड़ लड़के जाने ही नहीं दे रहा है, इसलिए पूरा वेस्टर्न घाट में कोंकण तट से पूरा लेके खूब बारिश होती है यहाँ पर, ऐसे लड़के बड़ी मुश्किल से यहाँ कहीं जगह मिलेगी उसको, तो जगह मिलेगी तो फिर इधर की तरफ भागेगी। तो एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच देखिए यहाँ से जब टकराया तो दूसरी ब्रांच इधर से आ रही है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सागर वाली ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो यहाँ से जाने की कोशिश करेगी यहाँ पर, जहाँ इसका एक तो डायरेक्शन ही ऐसे है और दूसरी बात जो थोड़े बहुत तो ये अंदर घुसने का जो है वो उसकी उसकी वृत्ति जो है वो ले गया, यहाँ उसको खाली जगह मिलती है, यहाँ से इसमें घुसने की घुसना शुरू करता है, ठीक है। और यदि यही मानसून विंड यहाँ पर इसमें फंस जाए तो यहाँ पहाड़ कैसे है, ऐसे है इस प्रकार से,
यहां मेघालय प्लेट्यू है, यहां बारिश करती रहती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती रहती है, ठीक है, वहां फनलिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको, फनलिंग इफेक्ट, समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, समझ गए बात को। तो आप लोग पूछता है कि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है, चेरापूंजी में होती है, इसलिए होती है भाई, इसीलिए होती है जो आपको बताया जा रहा है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ इलाका है पूरा, यहाँ फनलिंग हो होके बार 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 बारिश होती रहती है। वो अभी का विषय नहीं है हमारा, अभी हमारा विषय ये है कि जो दो ब्रांचेस हैं अपने अपने इलाके में करते करते जब यहाँ पर आकर मिलती है दिल्ली के इलाके के ठीक ऊपर, आपस में वो जो है वो एक दूसरे को वापस मिल जाती है। ये मॉनसून की सबसे बेसिक जो है वो मैकेनिज्म है। यहाँ ऐसा जब जब राजस्थान के ऊपर से ही जा रही है हवा, तो भी राजस्थान में डेजर्ट क्यों है? कोई कह रहा है बैरियर नहीं है कोई, इसका मतलब ठीक से पढ़े नहीं हो तुम लोग। अरावली कहाँ है? अरावली इसके रास्ते में आएगा कि नहीं? निर्मलवा थोड़ा ठीक से कहने का कोशिश किया है, तो अरावली है तो, लेकिन अरावली है कैसे? मेरे फोन को मान लीजिए, तो अगर यही अरावली जो ऐसे की बजाय ऐसे होती तो लड़का वेस्टर्न घाट के टाइप का हो जाता कि नहीं? तो यहाँ पर जो है टकराती हवा बारिश होती, लेकिन अरावली ऐसे पड़ जा रही, तो उसके इस वाले इलाके में जहां जहां लड़ेगा वहां बारिश होगा, लेकिन पूरे रास्ते में फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन जैसा नहीं रहता है। तो जो अलाइनमेंट है अरावली का वो जो है वो कंड्यूसिव नहीं है ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए, ये एक थ्योरी बताई जाती है। सम क्लियर है एकदम, ये भी क्लियर हो गया। तो जो अरावलीज है, ये अरावली यहाँ पर मान लीजिए है, अरावली के इधर और इधर के इलाके में यहाँ थोड़ा बहुत बारिश होगी क्योंकि जाके लड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसे है ना अरावली, ऐसे यहाँ थोड़ा बहुत बारिश इस इलाके में होती है, लेकिन इस तरफ कोई बारिश नहीं होती क्योंकि ऐसे हवा पूरी सख्त से निकल जाती है। तो अगर ऐसा है तो क्या यह बात कही जा सकती है कि अरावली के उस पार उस तरफ जो है मरुभूमि होगी? जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। मरुभूमि होगी, ठीक है, तो और जो है इस पार थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। तो अरावली के उस साइड तो मरु से अगर मिलता जुलता मैं बोलने की कोशिश करूं और मारवाड़ बोल दूं तो चलेगा? तो ये इलाका मारवाड़ जैसा कह सकते हैं लूजली, बहुत ज्यादा वो मत बनिएगा, खाली कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि आखिर इन सब चीजों का प्रभाव क्या पड़ता है मानव सभ्यता पर। ओके, तो मारवाड़ का इलाका हो गया, और ये इधर चलो मेवाड़ वगैरह कह लो, ठीक है, कह सकते हैं मेवाड़ कह सकते हैं, चलो पहले लूजली कह लीजिए। तो जो है ये मेवाड़ का इलाका होगा, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है या कम तुलनात्मक रूप से अच्छा है, सब कुछ थोड़ा बेटर है, यहाँ के लोगों को खेती होती कर पाएंगे मारवाड़ के लोग? खेती कर पाएंगे? आते हैं सवाल पे आते हैं भरोसे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो नहीं, खेती नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या, ये पहला प्रश्न ये बताइए। यस, देखो देखो, हाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहा है लोग, ठीक है, एकदम समझ रहे हो ना हम कैसे चीजें आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो आप हर जगह पर हमारे मारवाड़ी बंधुओं को पाते हैं देश विदेश में फैला हुआ कि नहीं पाते हैं? नोमैडिक लाइफ नहीं कहते हैं इसको, ठीक है, वो वहां के ट्राइब्स के हिसाब से आप कर रहे हो, ठीक है, जो हम बता रहे हैं वो जो है उसको नोमैडिक लाइफ जो है वो नहीं बोलते हैं। ये तो इन्होंने जब जानते हैं कि खेती में बहुत ज्यादा वो नहीं है तो फिर दे वेंचर्ड आउट और बिजनेस करने के लिए धीरे धीरे सारे देश देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, और दैट इज वन ऑफ द रीजन, ऑफ कोर्स नथिंग इज एक्सक्लूसिव, लेकिन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जहां पर आप देख लीजिए कहीं भी ऐसा बार बार कहा जाता था, और मैं हमेशा कह रहा इस बात को डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ कि ये एकमात्र कारण नहीं होते हैं ज्योग्राफिकल रीजंस, लेकिन एक डोमिनेंट फैक्टर होते हैं। बिहार में देखिए, बिहार और हमारा जो पूर्वांचल का जो भी इलाका है, अक्सर बहुत लंबे समय तक ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा बच्चे वहां से पास होते थे, आप जानते हैं कि वो डोमिनेट किया करते थे, बहुत बड़ी संख्या जो है वो
आइए इस पूरे एग्जाम में जो है बहुत बड़ी संख्या में लोक सेवक जो है यूपीएससी वाली परीक्षा में पास होकर आते थे, तो उसका सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है हमको, तो दिख रहा है अपना स्क्रीन, खुद ही दूसरे स्क्रीन में लगा के बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि जब मैं आगे आ जा रहा हूं तो कोई दिक्कत हो रही है? नहीं तो जब पॉज हो रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, हो सकता है इंटरनेट की कमी की वजह से हो। तो हम कह रहे थे कि पूर्वांचल का जो जितना भी आप देखिए ना, जहां पर एग्रीकल्चर जो है वो एकमात्र साधन है मान लीजिए, और वो भी बाढ़ से तबाह हो जाए, या अच्छी एग्रीकल्चरल जो है वो जमीन फर्टाइल होने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से अगर वो मेन स्टे नहीं बन पाता है, हमारा मुख्य जो है वो साधन न बन पावे, या अंडर एम्प्लॉयड रहे लोग और इंडस्ट्री है नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना अच्छे से हुआ नहीं है, सर्विस सेक्टर उस डेवलप होने का जो है सवाल ही नहीं था उस समय, बहुत धीरे 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 स्किल्ड लेबर चाहिए ना इंडस्ट्री के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, वो भी नहीं है, तो क्या बचेगा बच्चों के पास ऑप्शन? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अलावा और कोई चार्म रह जाएगा? बहुत कम एवेन्यूज बचते हैं। तो कैसे चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये सब उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए कि मानसून का जो है, हाँ तुम कोई पूछ रहा था कि कहाँ जाके मिलते हैं, तो पंजाब वाले इलाके में जाके मिलेगा, और पंजाब हरियाणा दिल्ली का जो इलाका है यही पंजाब में दोनों ब्रांचेस जो है वहाँ पे मानसून की दोनों ब्रांचेस वहां पर मिलती है, वहां रोड रेनफॉल उससे होती है। तो यहां तक बात समझ गए मानसून में। अब ये सबसे सरलतम व्याख्या थी, ठीक है, ये सरलतम व्याख्या थी। इसके साथ एक चीज और बता ही देते हैं लाओ, एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है इसी से जुड़ा हुआ है, ये हरा वाला लाइन भी एक बार देख ही लीजिए ताकि कहीं कंफ्यूजन कोई रह नहीं जाए। तो जब आईटी सीजन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है भाई, ठीक है, आईटी सीजन देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये सीधा यहां होना चाहिए था नीचे इक्वेटर पे, इक्वेटर से देखो कर्क रेखा, ऑब्वियसली यही कर्क रेखा के ऊपर ही तो गर्म रहता है सूरज, तो यहाँ पे आ गया, ऐसे ऐसे हो गया आईटी सीजन मान लो, तो ये भी पुश हुआ, सब कुछ पुश हो गया। हम आपको बताए नहीं थे कि जेट स्ट्रीम भी यहाँ रहती है जाड़े में, तो जब गर्मी में पुश हुआ तो जेट स्ट्रीम भी ऊपर चली जाएगी, ये बात भी सही है। अच्छा ठीक है, सब कुछ एकदम सिंपल है। अब इसको रिवर्स कीजिए, हाँ खूब सूरज यहाँ तप लिया तप लिया तप लिया, बारिश हो गई, सब कुछ हो गया, अब महाराज सूर्य महाराज दक्षिणायन होकर जा रहे हैं, तब क्या होगा? आईटी सीजन वापस रिस्टोर होगा अपने जगह पर, वापस नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा तो इन सबको फिर खींच लाएगा, तो जो साउथ वेस्ट विंड्स थी वो खत्म हो जाएंगी और नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है वो आप वापस अपनी अपना स्थान वापस ले लेंगी। क्लियर है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे भाई? देखो एक जूम कर देते हैं तो बताया करो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे तो मैं शायद उसका समाधान कर पाऊं। क्या ये कह रहे थे आप कि जो है छोटा है बहुत? बताओ भाई चैट बॉक्स में कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको क्या है। दैट्स नॉट एन इशू, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके, मेरे साइड से नेटवर्क इशू है अगर, तो मैं देखता हूँ अगर और कहीं, मैं बीच बीच में बंद करने की कोशिश करता हूँ। दुष्यंत, अबे इंटरनेट चलाया हो क्या उधर? टीवी भी चालू किए हो? टीवी चालू किए हो? इंटरनेट तो वही यूज हो रहा है? अच्छा तो वैसे ही कर लो, चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ मजा करो। हाँ थोड़ा सा है दिक्कत, यस यू पीपल आर राइट नो डाउट, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझते चलिए ना, ज्यादा परेशान मत होइए। जब तक बात सुनाई दे रही है तब तक चलते हैं, वरना आज डिस्कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई ऐसी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मेरे साइड पे थोड़ा बैंडविड्थ हो सकती है गड़बड़, तो अभी आ जाएगा, चिंता ना करो, जितना भी हो सकता है मैं बंद कर देता हूँ, डू नॉट वरी। अभी ठीक है? वॉइस से मैं बताता जाता हूँ, सुनते जाइए, एक बार इस पूरे का बेसिक समझ लीजिए, कल हम एडवांस करके इसको फिनिश कर देंगे, डोंट वरी। बेसिक्स ये हैं कि जब साउथ आईटी सीजेड नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा तो जो विंड्स हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। जब आईटी सीजेड रिस्टोर होगा अपनी जगह पर, वापस अपनी जगह पर आने लगेगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, यही नाम था ना उनका, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स वो अपनी जगह वापस ले लेंगी, बहुत ही आसान है। और इसी प्रकार जो सोमाली करंट का डायरेक्शन ऐसा हुआ था वो ऐसा हो जाएगा उदाहरण के तौर पे, तो ओशियनिक करंट्स और विंड्स
जो दोनों अपनी अपनी जगह पर रिस्टोर हो जाएंगे भाई, जाड़े का महीना जैसे आएगा। और क्या घटना होगी कि जो जेट स्ट्रीम बहुत ऊपर नॉर्थवर्ड से चली गई थी ऊपर की तरफ, वो वापस आके रिस्टोर हो जाएगी तिब्बत के प्लेट्यू से और यहाँ पे आग वापस आके टकराएगी, फिर दो ब्रांचेस उसकी बन जाएंगी। और जो दो ब्रांचेस बनेंगी तो एक यहाँ पर ऐसे और एक तिब्बत के रिस्टोर हो जाएंगी। ओके, यहां तक समझ गए? तो आप सुनो ध्यान से कि यदि ऐसा है, ये जो घटना है जितनी भी हमने बात की, अगर ऐसा होता है तो, और यहाँ के एक व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जो इस इलाके में कहीं रह रहा है, हिंदुस्तान में इस जगह पे कहीं भी रह रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ रह रहा है इस इलाके में, ठीक, उड़ीसा छत्तीसगढ़ इस इलाके में रह रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है, उसके दृष्टिकोण से देखिए कि क्या घटनाएं हो रही है कि भाई जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तब हवाएं डायरेक्शन चेंज करके जो है वो पश्चिम से आने लगती है, ठीक है, पश्चिम से आने शुरू कर देती है, और जब जाड़ा फिर से आने लगता है तो फिर से पूर्वैया चलने लगती है, पूरब से फिर से हवाएं आने लगती है, ठीक बात है। तो किसी को इस कोस्ट से यहां जाना हो तो इस समय प्लान करें, किसी को यहां से यहां आना हो तो उस समय प्लान करें जब नॉर्थ ईस्ट विंड अपनी जगह ले ले, ठीक, देखो छोटी छोटी बात है, ठीक है, यहां तक समझ गए आप, बहुत ही आसान है। तो ये जो मॉनसून है ये एडवांसिंग मॉनसून है, ठीक है, इसको कहते हैं कि मॉनसून एडवांस कर रहा है, मेन मॉनसून यही है, साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको बोलते हैं वो यही साउथ वेस्ट मॉनसून है जो हमने पढ़ा अभी। जब आईटी सीजन वापस नीचे शिफ्ट करना शुरू करेगा तो फिर हवाएं ऐसे चलना शुरू करेंगे, एकदम से हवाएं आएंगी यहाँ पर, और जब हवा आएगी तो इस पर इसके ऊपर जो हवा चलेगी समंदर के ऊपर जो शुष्क हवाएं हैं वो यहाँ से मॉइस्चर ग्रहण कर लेंगी, और मॉइस्चर ग्रहण करके हो सकता है, संभव है कि यहाँ पर अगर इनको यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिला, ये तो छोटे छोटे हैं सर, इस डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन उनको मिला तो वहां पर लड़के वहां पर जो है ईस्ट कोस्ट पे थोड़ी बहुत बारिश वो भी कर सकते हैं, जैसे इसने किया है वैसे वो भी कर सकती है, क्या दिक्कत है, लौटता हुआ मानसून जो है वो भी बारिश कर सकता है, लेकिन वो कहां करेगा बारिश, उसका एरिया बहुत कम है, यहां पर जो यहां पर अगर उनको ओरोग्राफिक बैरियर वगैरह कुछ मिलता है तो वहां पर बारिश हो जाएगी। तो ये घटना कब होगी भाई बताओ जरा, जब सूर्य महाराज यहां से जा चुके हैं। हमारा मेन मानसून कब होता है बताओ बताओ, जून जुलाई अगस्त, यही ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह के टाइम पर ये सब हो रहा है, और अक्टूबर आया सूरज नीचे गए महाराज, अक्टूबर नवंबर जैसे हुआ तो हवाएं वापस रिस्टोर हो गई, तो फिर विंटर के समय में जब हम विंटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स है वो अपना जगह को रिस्टोर कर चुकी है, अपनी पोजीशन वापस ले चुकी है, और मॉइस्चर की वजह जो लेकर आएंगे वो यहाँ पर उनके ईस्ट कोस्ट पे जो है वो बारिश हो सकती है तमिल यहां तक समझ में आ गया हो तो बताओ। अब आज सिर्फ व्यू बता आपको बेसिक व्यू बता देता हूं, इसका एक एक एलिमेंट का एडवांस स्टडी हम करेंगे बाद में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत आसान हो गया, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, ठीक है, सबसे मूल और सबसे सरल संकल्पना के रूप में आपने उसको समझ लिया, ये तो ठीक है, ITCZ आप देख ही रहे हैं, यही ITCZ है, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाए तो बादल की पट्टी जैसी इक्वेटोरियल बेल्ट है ना, वो आप तो जानते ही हैं। ये मैं कह रहा था कि आपको ये जानना चाहिए कि दरअसल हवाएं कॉन्टिन्यूस रूप में नहीं होती है, जो है एयर मास के रूप में होती है, एयर मास कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्स मैरिटाइम ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ई मतलब इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है, इस ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल यही तो होता है, यही तो सब्जेक्ट है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर की अल्टरनेट बेल्ट होती है, लेकिन हम बस बता इतना रहे हैं कि ये बेल्ट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, पॉकेट्स के रूप में होता है, ऑब्वियसली जैसे जैसे लैंड होगा जो होगा वो पॉकेट्स बनेंगे, ठीक है, तो पॉकेट वाला कॉन्सेप्ट आप इस तरह से देख भी लिया आपने, ये देखिए इस प्रकार से शिफ्टिंग होती है ITCZ की, देख लीजिए आप, जहां जहां जमीन होगा वहां शिफ्टिंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाती है ना भाई जमीन, तो अपने ऊपर और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करके खिंचवा देंगे उसको, ठीक, देखिए जब सूर्य महाराज नीचे होंगे तो जहां जहां जमीन होगी वहां ज्यादा लफाएगा, ये लफाना समझते हो ना, मेंडर जो मेंडर करेगा, और यही बात उसमें भी लागू होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहां जहां गर्मी ज्यादा होगी अगर सूर्य महाराज कर्क रेखा पर है तो जहां जहां जमीन है वहां ऊपर ज्यादा ऊपर होता जाएगा, और समुद्र आएगा तो फिर से
चीजें लाइन पे आने लगेंगी। तो जहां पर ओशियन का मॉडरेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, पानी खूब सारा है, वहां उतना डिविएशन नहीं होगा, लेकिन जहां लैंड बहुत है वहां डिविएशन। ये सहारा है कि नहीं है, ये जो पूरा मरुस्थल, सहारा शब्द बोलना जरूरी नहीं है, मरुस्थल वाला इलाका देखो, ये सब वही तो है, सब गर्म हो जाएगा तो वहां किसी जगह ऊपर हो जाएगी। ये भी बात समझ में आ गई आपको? ये तो आपको याद ही है, इसमें तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो दो ठो वार्म पूल बनते हैं वो आप भूल नहीं सकते, आपको भूलना भी नहीं चाहिए, और उसका कारण भी अब आप जानते हैं कि सही बात है, तो लैंड लॉक इलाका है, वार्म पूल बनेंगे, ये भी आप समझते हैं। देखिए जनवरी और जुलाई में क्या स्थिति होती है, देख लीजिए आप एक बार, ये भी नजर देख लीजिए। देखिए जब जब जनवरी का समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से आप देखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जनवरी का महीना होगा तो इधर थोड़ा ठंडा रहेगा मामला, लाल कलर बस यहीं तक रहेगा, लेकिन जब सूर्य महाराज ऊपर आके गर्म कर देंगे अच्छे से, देखो कहां तक फैला जा रहा है लाल कलर, पूरा गर्म हो गया है। तो ये बात सही है क्या, हम इसको ऐसे कह सकते हैं शब्दों में कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर सूर्य महाराज चमक रहे हैं तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, जिनमें से पहली घटना है ITCZ का ऊपर शिफ्ट हो जाना, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना है सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ जाना, और काफी ऊंचे नॉर्थ तक, सी सरफेस टेम्परेचर काफी नॉर्थ में आकर भी बढ़ जाता है, नॉर्थ लैटिट्यूड तक बढ़ जाता है। दो बातें हो गई, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जेट स्ट्रीम भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ वर्ल्ड शिफ्ट हो जाती है, ऊपर नहीं बोलना चाहिए, नॉर्थ वर्ल्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और चौथी बात कि मानसून विंड्स जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहते हुए मॉनसून विंड्स बन जाती हैं, ये भी आप समझ गए आप, ये सब आपने देखा ही हुआ है जितने भी तरह की चीजें हैं। अब आपको वो याद है जो हमने आपको बताया था कि एल नीनो और ला नीना क्या होता है, एल नीनो याद है आपको, वो एक उदाहरण है सिर्फ, ऐसे बहुत घटनाएं ऐसी होती रहती हैं लेकिन सिर्फ एक उदाहरण है आपको, सिर्फ एक उदाहरण समझने के लिए। आपको याद है कि ये जो है एक वार्म पूल बनता है यहाँ पर, लो प्रेशर एरिया और वार्म पूल बनता है, सही बात है, ठीक है। तो हवाएं जो है अगर यहाँ पर वार्म पूल बन रहा है तो साइक्लोनिक कंडीशंस कहाँ बनेंगी, साइक्लोनिक ऑब्वियसली यहाँ बनेंगी जहां वार्म पूल है, सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है, जो भी हो यहाँ पर या तो कन्वेक्शनल रेनफॉल या साइक्लोनिक कंडीशन बनेंगी तो इस इलाके में बनेंगी। ऊपर जो है वो वेपर उठेगा ऊपर एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके कहीं सबसाइड होगा, तो कहां सबसाइड होता है, यहां सबसाइड होता है, तो ठीक है यहां पर, इसीलिए ठंडक बनी रहती है और ऊपर से उच्च दाब बना हुआ है, उच्च दाब यानी यही वाली हवा के गिर रही है यहां पर, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे उठ उठ के गिर रही है, तो यहां पर हाई प्रेशर एरिया बना रहता है। अगर हाई प्रेशर बनता है और हवा फिर से ऐसे बहती है, ये उठी हवा ये गई यहां गिरी फिर ऐसे बनी, तो ओशियानिक करंट्स इधर की तरफ बहती है, हवा इधर की तरफ बहती है, कौन सी हवा, ये ट्रेड विंड है भाई, ट्रेड जो है वो अपना इधर की तरफ चलती रहती है इक्वेटर के आसपास, ठीक, पानी इधर की तरफ बढ़ रहा, बहुत अच्छा सब ठीक चल रहा है। अगर ये चीज डिस्टर्ब हो और नीचे से, क्योंकि हवा सरफेस वाले पानी को इधर ले आ रही है तो उसकी जगह को भरने के लिए नीचे गहराई से, ये वाला नीचे नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना, इधर वाला नीचे, ये नीचे नहीं है, गहराई वाला मैं बात कर रहा हूं, तो गहराई से जो है तट के ऊपर पानी आता रहेगा, सब याद आ गया आपको। ठीक, वो ये सारी घटनाएं होती रहेंगी, ये नॉर्मल पोजीशन है। यही चीज रिवर्स हो जाए, अगर यही चीज रिवर्स हो जाएगी तो फिर सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, बारिश यहां होने लगेगी, जो है लो प्रेशर एरिया इधर डेवलप हो जाएगा, अपवेलिंग जो हो रही थी बंद हो जाएगी, ये सब घटनाएं होंगी। आज इंटरनेट की समस्या वाकई है तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, आज इसको यही रोक देते हैं, कल जब क्लास करेंगे तो देयर विल बी नो इश्यूज, आई विल मेक श्योर दैट देयर इज नो इश्यू, आई विल गेट इट चेक्ड अप, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग बस हल्का सा है सब दिमाग में रखिएगा कॉन्सेप्ट, हम लोग कल पढ़ेंगे, चलो गॉड ब्लेस यू।